हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज कुछ सिंपल सा बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं सिंपल डिलीशियस मसूर पुलाव। मसूर पुलाव के लिए यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। उसे हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 1 हरी इलायची और 1 स्टार एनिस यानी चक्रफूल। और इसको थोड़ा सा सौते करने के बाद, मैंने आँच को धीमी ही रखा है, स्लो फ्लेम रखा है। इसमें हम ये 2 प्याज को मैंने स्लाइसली कट किया हुआ है वो हम ऐड करेंगे, और अनियन को पूरा ब्राउन होने तक हमें अच्छे से भून लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे हमें अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। अनियन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसके ऊपर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून जितना। मैंने यहाँ पे 3/4 कप मसूर को सोक किया है और 1.5 कप चावल लिया है। जितना राइस है उसके आधा क्वांटिटी मसूर लेना है। मसूर की टेस्ट बहुत बढ़िया रहती है, जैसे कि बिरयानी में फ्राइड अनियन रहते हैं उसी टाइप से मैंने ये कम ऑयल में अनियन को अच्छे से ब्राउन करके लिया है। इसी में हम ये जिंजर गार्लिक पेस्ट पूरा उसका ऑयल रिलीज होने तक फ्राई करेंगे, और उसी में मैं ये 1 बड़ा टमाटो को मैंने स्लाइसली चॉप करके लिया है वो ऐड करूँगी। टोमेटो अच्छे से गल चुके हैं, इसके ऊपर हम कुछ खड़े स्पाइसेस पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी, ये रेगुलर वाला रेड चिली पाउडर है, आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप ये कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा, मैं ऑलमोस्ट 2 टीस्पून जितना धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और ये बिरयानी मसाला है, ये भी ऑलमोस्ट 1 से 2 टीस्पून जितना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सारे मसालों को अच्छे से इसमें भून लेना है। मसालों के साथ भी 1.5 मिनट तक ये ड्राई मसाला हमें अच्छे से भून लेना है। फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऑयल रिलीज होने तक हम इसको रोस्ट करके लेंगे 1.5 मिनट तक। ऑयल रिलीज हो चुका है, मसाले अच्छे से भून गए। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना दही ऐड करेंगे, फ्रेश दही लिया है मैंने। टमाटर अगर ज़्यादा यूज़ किए हैं तो दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आप खट्टा दही यूज़ करने वाले हो तो टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा सा कम करना, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा सॉर हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। दही को भी अच्छे से मिक्स करेंगे, आप देखेंगे कि ग्रेवी को ऑयल बहुत अच्छे से रिलीज हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। एज पर टेस्ट हम राइस भी ऐड करने वाले हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्ट ऐड करना है। और इस पे हम ये अखा मसूर को मैंने 4-5 घंटे के लिए सोक करके रखा था। लेते वक्त मैंने ड्राई जो मसूर रहते हैं वो 3/4 कप लिए थे, वो सोक होने के बाद थोड़े से उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो मसूर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले से कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें राइस ऐड करके पानी डाल के पकाने वाले, तो मसूर वैसे भी बहुत जल्दी पक जाते हैं। मसूर या फिर अखा मसूर हो या मसूर की दाल हो, थोड़ा सा इसको हम 1-1.5 मिनट तक ऐसे ही रोस्ट करेंगे। थोड़ा हरा धनिया मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया डालेंगे। 1 पॉट मील बोल सकते हैं आप,
अगर आपके पास ये कुकर में भी होता है, लेकिन उसके लिए जो आप राइस यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा पुराना होना चाहिए, बासमती राइस, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, खिले चावल नहीं होते हैं कुकर में। इसके ऊपर मैं ये 1.5 कप चावल को मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तक अच्छे से धो के पानी में सोक करके रखा था। थोड़ा सा ही पानी ऐड करके हमें सोक करना है, उसकी वजह से क्या होता है बासमती राइस को पकने में अच्छा हेल्प हो जाता है, अदरवाइज़ डायरेक्टली आप यूज़ करेंगे तो राइस पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। इसको हम पहले अच्छे से मिक्स करके लेंगे, बाद में पानी ऐड करेंगे। बासमती राइस को मैंने सोक करके रखा था, इसके लिए मैं इसमें जितना राइस है उतना ही पानी ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है क्योंकि चावल जल्दी पक जाते हैं और फिर पानी ज़्यादा डालेंगे तो वो चावल खिला खिला नहीं होगा। तो इसमें और थोड़ा सा एकदम मुझे ज़रूरत लग रही है कि चावल के ऊपर हल्का सा पानी आ जाए। और इसको अभी हम ढक के राइस कम्प्लीटली कुक होने तक पकाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा इसमें घी ऐड करूंगी। वन टेबलस्पून जितना हम इसमें घी ऐड करेंगे, घी की वजह से टेस्ट बहुत बढ़िया अच्छा आती है। अब हम इसके ऊपर लीड रखेंगे और ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में ये हो जाता है। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है। हेल्दी व्हीट बेस यानी कि गेहूं के आटे के बेस के 8 से 9 टाइप के टी टाइम केक का मेरा ऑनलाइन वर्कशॉप भी चलता है, जो कि आपको अवेलेबल रहेगा kitchenschool.in ये वेबसाइट पे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इसके साथ साथ कुकिंग, बेकिंग, वेज, नॉन वेज, चाइनीज, पंजाबी, ऐसे बहुत सारी प्रोफेशनल कमर्शियल डिशेस रेसिपीज आपको हमारे कुकिंग क्लासेस में अवेलेबल रहेगी, जो कि पेड कोर्सेस है, लेकिन एब्सोल्युटली ये वर्थ है फॉर योर फूड बिजनेस। सो प्लीज ट्राई। और आपको अगर विजिट करना है तो www.kitchenschool.in ये वेबसाइट पे आप सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। अब हम इसके लीड निकालते हैं। ऑलमोस्ट पानी जो मैंने यूज किया था वो कम्प्लीटली सोक हुआ है। आप देखेंगे कि राइस भी खिला खिला हो गया है। फिर से ढक्कन रख के एक 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि जो भी मॉइस्ट रहता है वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाता है और चावल कम्प्लीटली खिले हो जाते हैं। तो 10 से 15 मिनट बाद हम इसको सर्व करेंगे। बढ़िया सा ऐसा ये मसूर पुलाव रायता और पापड़ के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।